हेलो टू ऑल ऑफ यू. नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप. ठीक है, यहाँ पे हमें यूजर इंटरफेस के बारे में बताना है. इसके पहले का पहला जो वीडियो था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए. ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको यूजर इंटरफेस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस ही बताना है, क्योंकि यूजर इंटरफेस हम कैसे कहते हैं. डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो यूजर इंटरफेस है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और यहाँ पे हार्डवेयर आएगा, एक मिनट, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ यानी इंटरफेस का काम करता है. ठीक है, सो यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. तो सिस्टम, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के हमको यहाँ पर रूप बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कितने प्रकार के इंटरफेस मौजूद होते हैं. ठीक है, सो जब हम डेस्कटॉप या लैपटॉप में जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है. ठीक है, वो दो प्रकार कौन से होते हैं आइए जानते हैं. हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, या यूं कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरफेस है यानी जो मध्यस्थ का काम करता है ना, तो मध्यस्थ के रूप में वो दो प्रकार से कार्य करता है. ठीक है, तो या तो आप ये कह लीजिए कि यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, या कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है CUI. CUI को आप पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI. GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, सो यहाँ पे नाम से समझ जाइए, CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर. कैरेक्टर मीन्स जिसमें कैरेक्टर के थ्रू काम होता है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरेक्टर के ऊपर काम करता है वो कौन सा होता है आपका, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर पे काम से मतलब, कैरेक्टर पे काम से मतलब हो गया यहाँ पे सीधा सीधा कमांड से काम करना. ठीक है, कमांड जो है वो क्या है, कैरेक्टर के रूप में लिखी जाती है ना. जैसे कोई कमांड है क्लोज, तो क्लोज कैसे लिखी जाएगी कमांड, इस तरीके से. तो बेसिकली इसको लिखने में किसका यूज हो रहा है, कैरेक्टर का. मतलब किसी भी वर्ड में जो भी लेटर यूज होता है उस लेटर को हम कैरेक्टर कहते हैं. जैसे सी एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, ओ एस कैरेक्टर है, एस एस कैरेक्टर है, ई एस कैरेक्टर है, तो ये सब क्या है, कैरेक्टर है. तो अगर आपको अपने कंप्यूटर को कमांड के द्वारा ही सारा काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कैरेक्टर टाइप का, यानी कैरेक्टर टाइप का इंटरफेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है. उसमें आपको सारे काम कमांड के द्वारा ही करने होंगे. ठीक है, कमांड के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट GUI, नाम से समझ में आ रहा है ग्राफिकल. ग्राफिकल का मतलब हो गया कोई पिक्चर, कोई आइकन. ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सुविधा देते हैं कि भाई आपके पास आइकन है, आपको ये आइकन दिख रहा है, सीधा आप इस आइकन पे क्लिक करो और अपना काम कर दो. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आइकन से क्या मतलब है. अच्छे से पहले आप समझ लीजिए, देखिए आप कितने सारे आइकन दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे मुझे किसी भी आइकन, किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगी और ओपन हो जाएगा मेरा फोल्डर, है ना. तो क्या है, मुझे एक तरीके से पिक्चर दिख रही है ना, ये PDF है तो अलग से पिक्चर समझ में आ रही है. तो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हर चीज का. सो यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूंगी और ये जो PDF है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमको हर चीज के आइकन्स मिलते हैं वो कौन सा होता है, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे टाइम देखना है या फिर डेट देखनी, तो देखिए सीधे 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 हाथ की तरफ मुझे टाइम एंड डेट दिख रही है. सपोज मुझे अपना सिस्टम शट डाउन करना है, तो यहाँ पे जस्ट मेरे को देखिए शट डाउन के लिए आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और अपना सिस्टम शट डाउन कर दूंगी. तो हर चीज का आइकन दिख रहा है, हर चीज मुझे शो हो रही है एक टेक्स्ट के रूप में या आइकन के रूप में, उस पर जस्ट मैं क्लिक कर रही हूँ और वो चीज अपना काम कर रही है. तो इस तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इस तरीके का फीचर प्रदान करता है, वो होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो हम जो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है. लेकिन एक टाइम था जब इस तरीके के आइकन हमको नहीं मिलते थे, हमको सारा के सारा काम कमांड के रूप में ही करना होता था.
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करते थे, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हर चीज कमांड में ही लिखी जाती थी, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि सपोज आप क्या कीजिएगा अपने सिस्टम में WinR, विंडोज की है होती है आपके लैपटॉप में या आपके कीबोर्ड में, तो विंडोज की को प्रेस कीजिएगा और आर को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो विन आर लिख के इस तरीके का एक रन विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लिखिएगा CMD, ध्यान रखिएगा CMD ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इस तरीके का जो शेल है वो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टमों में आया करता था। सीधे आपको आइकन नहीं मिलते थे, जैसे आपको टाइम देखना है ना सीधे, अभी तो आप यहाँ पे देख लो, पर उस समय यदि आपको टाइम देखना होता था जब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस चलते थे तब आपको डेट के लिए कमांड लिखनी होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट। तो डेट के लिए जब आप कमांड लिखोगे तो देखिए इस तरीके से आपके सामने आज की डेट आ जाएगी। फिर यदि आपको टाइम जानना है तो यहाँ पे टाइम की कमांड लिखिए, तो देखिए टाइम आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हर काम कमांड के रूप में होता था। अब ज्यादा कमांड मैं नहीं बताऊंगी, ना तो आप अभी याद कर पाओगे, ना आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा कमांड, और अननेसरी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती वीडियो लेंदी करके, ठीक है। इतना जान जाइए कि एक टाइम था जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड के द्वारा ही सारे काम होते थे, तो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते थे। अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बिल्कुल काम नहीं करता, यानी CUI काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम में भी CUI काम करता है, ठीक है। देखिए ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है ना, इसमें GUI तो था, आइकन थे सारे, लेकिन अगर मैं कमांड के थ्रू काम करना चाहूँ तो कमांड के थ्रू भी कर सकती हूँ। लेकिन एक टाइम, पहले का टाइम, तब सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करता था। आज के टाइम में ग्राफिकल भी है और कैरेक्टर भी है। आई होप आपको यहाँ पे ग्राफिकल और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस समझ में आया होगा। चलिए आइए इनके बारे में जल्दी से जान जाते हैं अच्छे से और ज्यादा। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमने लिखा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आल्सो कॉल्ड एज कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, या फिर हम इसको नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। नॉन ग्राफिकल से समझ के होंगे आप, जैसे ग्राफिकल कौन से होते हैं, इसमें आइकन दिख रहे हैं हमको, पिक्चर्स दिख रही है, उस पर जस्ट क्लिक कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। लेकिन कैरेक्टर वाले कैसे हो गए, उसमें ग्राफिकल हमको नहीं दिख रहा, तो जब ग्राफिकल पिक्चर्स नहीं दिख रहे, आइकन नहीं दिख रहे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में इसको हम कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो हम कहते ही, हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया, ठीक है। तो इसके इस तरीके से तीन चार एक नाम होते हैं, तो चारों नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा, किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर CUI बेस्ड सिस्टम वर ऑपरेटेड बाय द कीबोर्ड बाय टाइपिंग अ कमांड इन प्रिस्क्राइब्ड सिंटैक्स, ठीक है। जो CUI बेस्ड सिस्टम होते थे वो कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट होते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कमांड लिखनी पड़ती थी, तो कमांड किससे लिखोगे आप, कीबोर्ड से। तो जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते थे उसमें कीबोर्ड का यूज होता था, कीबोर्ड का यूज करके हमें कमांड लिखनी होती थी। फिर क्या लिखा, इन प्रिस्क्राइब सिंटेक्स, सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है कि लिखने का एक तरीका, ठीक है। तो कमांड लिखने का एक तरीका पहले से सेट है सिस्टम के अंदर, उसी तरीके से आपको कमांड लिखनी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था ना, आप डेट लिखेंगे तो डेट शो हो जाएगी, लेकिन इसी डेट को आप गलत लिख देंगे या इसकी गलत स्पेलिंग लिख देंगे तो फिर ये शो नहीं होगी। देखो उसने क्या बोला कि नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि DAET यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इस कमांड को पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर ये वाली कमांड मौजूद नहीं है। तो आप वही कमांड लिखोगे जो इसके अंदर मौजूद है, यानी इसके अंदर पहले से सेट कर रखी है, ठीक है। तो स्पेलिंग में भी आपके पास यानी स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा इसके अंदर सेट है प्रिस्क्राइब, उसी प्रिस्क्राइब में आपको यहाँ पे कमांड्स को लिखना होगा, तभी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है CUI इज डिफिकल्ट टू यूज एंड नॉन यूजर फ्रेंडली बिकॉज द यूजर हैज रिमेंबर्ड द कमांड्स एंड आल्सो रिक्वायर्स ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है। जो CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है
वो यूज करने में डिफिकल्ट होता था, यानी दिक्कत देता था, क्योंकि आपको देखो उसमें कमांड याद करनी पड़ेगी ना, और सारी कमांड को याद रखना पड़ेगा, हर चीज कमांड के रूप में होगी, चाहे आपको फाइल ओपन करो, चाहे क्लोज करो, फाइल का नाम याद रखो, और भी कितनी भी चीजें होंगी, आपको कोई डाटा सेव करना है, कोई डाटा क्लियर करना है, हर चीज के लिए कमांड होगी, तो आपको हर चीज की कमांड याद रखनी होगी, ठीक है। तो इस कारण सीयूआई बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सपर्टिस लोग यूज कर पाते थे, हर कोई इसको यूज नहीं कर पाता था, क्योंकि डेफिनेट सी बात है ना कि गलती होने के चांस बहुत है, और इतना याद रखना भी कठिन है सारी कमांड्स को। फिर स्पीड ऑफ सीयूआई इज हाई, इसकी लेकिन जो स्पीड थी ना वो बहुत फास्ट थी, बहुत जल्दी काम को करता है सीयूआई। ऑल्सो इट इज लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो सीयूआई है वो फ्लेक्सिबल भी कम है, यानी लचीला भी कम है, यानी इसमें जो चेंजेस वगैरह जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, आप आसानी से इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नेविगेशन इज नॉट इजी, नेविगेशन भी आसान नहीं होता। नेविगेशन का मतलब होता है डाटा को इधर से उधर शिफ्ट करना, है ना, फाइल फोल्डर्स को इधर से उधर ले जाना, नेविगेशन का मतलब होता है एक लोकेशन से किसी चीज को दूसरी लोकेशन तक ले जाना। सो नेविगेशन भी इसमें क्या होता है, काफी टफ होता था, आसान नहीं होता था। अब तो यदि आज के टाइम की बात करें तो काफी आसान होता है ना, आप आसानी से खटखट एक फोल्डर को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, तो सीयूआई के जो एग्जाम्पल है वो एमएस डॉस। देखिए जो आप आजकल एमएस विंडोज पे काम करते हैं ना, एमएस विंडोज से पहले चलता था एमएस डॉस। सो एमएस डॉस आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था। लिनक्स एंड यूनिक्स, जो लिनक्स एंड यूनिक्स है वो भी कैसे हैं, आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं जीयूआई की, तो जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस वेयर यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है जिसमें यूजर ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर से इंटरैक्ट हो जाता है। ग्राफिक्स का मतलब आइकन्स, ठीक है, आपको माय कंप्यूटर का आइकन दिख जाएगा, आपको माय डॉक्यूमेंट्स का आइकन दिख जाएगा, आपको कोई पीडीएफ फाइल उसका आइकन दिख जाएगा, तो फटाफट आइकन आपने देखा उस पर क्लिक कर दिया, काम हो गया। रिसाइकल बिन का आइकन दिख जाएगा। कीबोर्ड माउस और एनी पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू ऑपरेट जीयूआई, ठीक है। देखिए जो जीयूआई है इसका यू, इसमें आप कीबोर्ड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो, माउस के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन एक टाइम था जब सिर्फ सीयूआई ही चलता था, तब तो सिर्फ कीबोर्ड की ही आवश्यकता रहती थी, ठीक है। लेकिन जब से जीयूआई आ गया तब से आप कीबोर्ड के द्वारा भी अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करो, माउस के द्वारा भी करो, आजकल आप करते ही हो, कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करते हो आज के टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम में, फाइन। या फिर पॉइंट माउस जैसी और भी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस आती है उनका भी आप यूज कर सकते हो, जैसे ट्रैक बॉल हो गया ना। ग्राफिक्स इंक्लूड आइकन, नेविगेशन बार, इमेजेस एक्सेट्रा। माउस कैन बी यूज्ड यूजिंग दिस इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद द ग्राफिक्स, ठीक है। जो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसमें आपको साफ साफ हर चीज के आइकन दिखते हैं ना, हर चीज के चित्र दिखते हैं। रिसाइकल बिन डायग्राम दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, रिसाइकल बिन ओपन हो गया। माय कंप्यूटर साफ साफ दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, वो ओपन हो गया। तो आइकन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन्स होते हैं। नेविगेशन बार होते हैं, यानी आपने देखा होगा ना कि एक नेविगेशन बार होता है राइट हैंड साइड, है ना, जैसे एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में आप देखते होंगे कि आप अपने डाटा को ऊपर नीचे इस तरीके से करके देख सकते हो, साथ साथ में आप दाएं बाएं करके भी अपने डाटा को देख सकते हो, तो नेविगेशन बार होता है। इमेजेस, है ना, इमेजेस होती हैं, हर चीज आपको इमेज के रूप में दिख जाती है ग्राफिक लाइक आइकन्स में, ठीक है, और है ना, और इस तरीके के जो आइकन्स हैं, नेविगेशन बार है, जो इमेज जैसे, इनके ऊपर हम काम कैसे करते हैं, माउस के जरिए, माउस के द्वारा क्लिक करके इनको ओपन कर देते हैं। नेविगेशन बार को माउस के जरिए हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड रिक्वायर नो एक्सपर्टाइज। जो जीयूआई है ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और उसमें कोई एक्सपर्टाइज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखते होंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे भी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से चला लेते हैं, और भी उससे भी छोटे बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को आजकल बहुत अच्छे से चलाते हैं, है ना, सीधा सीधा यूट्यूब का आइकन दिखता है, उसको ओपन करते हैं और वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। जो एंड्रॉइड भी आपको देखते हो ना, व्हाट्सएप पे जस्ट क्लिक किया ओपन हो गया, क्या है, जीयूआई बेस्ड है। दिस इज मोर फ्लेक्सिबल, जो यूआई है काफी फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से आप इसके आइकन का जो तरीक आइकन जो है उसको थोड़ा सा चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, आइकन को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, काफी फ्लेक्सिबल होता है। नेविगेशन इज इजियर, नेविगेशन करना बहुत आसान है, आसानी से अपने फाइल फोल्डर्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है।
एग्जांपल देख लो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल 95% जगह यूज होता है। तो फ्रेंड्स तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।